दोस्तों, मैंने 1500 वाट का एक फ्री एनर्जी जनरेटर बनाया है और इसमें मैंने जो है परमानेंट मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया है और ये मैंने जो है घर पे बनाया है। इस वीडियो में आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हम ये परमानेंट मैग्नेट जनरेटर कैसे बना सकते हैं। इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल टिल नाउ, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फर्स्ट एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन्स so that you can get notification of our new videos first. The rotor assembly. ये rotor assembly मैंने दो rotors को assemble करके बनाया है और इस rotor assembly में मैंने backlight sheet का इस्तेमाल किया है जो half an inch thick है और जिसका diameter 410 mm है। इस डायमीटर पे मैंने 16 होल किए हैं और इन होल्स का डायमीटर 2 इंच का है और हर एक होल के बाद में मैंने परमानेंट मैग्नेट इसके अंदर फिक्स किया है। ये परमानेंट मैग्नेट अर्थ मैग्नेट हैं, इसे न्यूड्रम मैग्नेट भी बोलते हैं। ये न्यूड्रम मैग्नेट्स आपका 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं फेरस मैग्नेट से, इसलिए मैंने इस मैग्नेट का जहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप जो है इसमें सोलर मैग्नेट भी लगा सकते हैं फॉर मोर पावरफुल ऑफ द इस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मेरा दूसरा इस रोटर असेंबली का रोटर है जिसमें मैंने ये शाफ्ट फिट किया हुआ है। ये शाफ्ट जो है इसमें एक तरफ फ्लेंज से मैंने टाइट कर दिया है इस रोटर को और एलन बोल्ट से इसे टाइट किया हुआ है शाफ्ट में। और ये होल्स जो हैं इसमें जो पीसीडी है इसका वो दूसरे प्लेट के साथ में मैच करता है और इसका जो गैप है बिटवीन दिस टू प्लेट स्टेटर असेंबली की थिकनेस के हिसाब से रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेट्स कितना पावरफुल है और मैं एडवाइस करूंगा कि आप जब भी इस टाइप का कोई काम करते हैं तो आप बहुत केयरफुली काम करिएगा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। जब ये एक दूसरे के पास आती हैं प्लेट तो काफ़ी इनके बीच में एक अटेंशन फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स है और ये आपको चोट पहुंचा सकता है और काफ़ी एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए आप बहुत केयरफुली काम करिएगा इसके लिए। तो ये देखिए, ये रोटर प्लेट इसके साथ असेंबल हो जाएगा और ये मेरा रोटर असेंबली का कंप्लीट हो जाएगी। इस रोटर असेंबली में मैंने दो प्लम्बिंग ब्लॉक यूज़ किए हुए हैं जो इसको रोटेशंस देते हैं और इसका इंटरनल डायमीटर 20 mm का है और इस प्लम्बर ब्लॉक को मैंने एक स्ट्रक्चर के साथ में फिट किया है और ये स्ट्रक्चर का सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से अकॉर्डिंग टू आपका रोटर डाया के हिसाब से रखा जाएगा। जितना आपका रोटर डाया है, स्टेटर का साइज है, उसके हिसाब से आप अपने स्ट्रक्चर का साइज डेवलप कर सकते हैं। और इस प्लम्बर ब्लॉक के जो होल्स हैं ये इसके हिसाब से आप जो प्लेट है स्ट्रक्चर का उसमें टैपिंग होल कर सकते हैं और इसको उसके ऊपर टाइट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने जो स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है इसके ऊपर मैंने इसको माउंट कर दिया है प्लम्बर ब्लॉक और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से काम करता है। ये दोनों टैपिंग होल हैं इसके अंदर, थ्रेड बनाए हुए हैं 10 mm डाया के और इस टाइप से जो है ये रोटर जो है इसके अराउंड जो है फ्रीली रोटेट करता है हमारा। और जब हम इसको ड्राइव देते हैं फ्रॉम द मोटर और से थ्रू द पुली और वाई द गियर अरेंजमेंट तो ये हमारा रोटर जो है रोटेट करता है और इसके बीच में जो है स्टेटर असेंबली रहती हैं, कॉइल्स रहती हैं जिसके वजह से हमारा जो है वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है। दिस इज़ द मोटर, जो हमारा डीसी मोटर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोटर है और ये मोटर हमारी 24 वोल्ट से 48 वोल्ट तक की पावर पे काम करती है। एट हाई लोड पे ये मोटर जो है अप टू द 10 एम्पियर तक ड्रॉ कर लेती है और इस मोटर को हम इस पे एक माउंटिंग के साथ में हमने फिक्स कर दिया है और ये माउंटिंग हम अपने जनरेटर की स्ट्रक्चर के साथ में असम्बल करेंगे। ये दूसरे साइड का एंड का जो है प्लेट है और इस प्लेट को हमने इसलिए माउंट किया है कि इसके साथ में पिनियन जो है दूसरे एंड पर लगा हुआ है। ये पिनियन हमारे जो है रोटर के गियर फ्लाईव्हील है, गियर फ्लाईव्हील उसको रोटेट करता है ये पिनियन।
और इस मोटर को हम सोलर पावर एनर्जी से भी इसको रोटेट कर सकते हैं और इसमें जो है रेक्टिफायर से भी। तो ये मेरी जो है शाफ्ट है, दूसरा प्लम्बिंग ब्लॉक है जिसके अंदर मैं गियर फ्लाई व्हील फिट करूँगा और इस गियर फ्लाई व्हील इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी स्टोर रहेगा जो मेरे को ये रोटेशंस के लिए रोटर की मदद करेगा। और दूसरे एंड पे मैंने जो है ये फ्लाई व्हील रोटेट करने के लिए आपका पुली अरेंजमेंट लगाया हुआ है। ये पुली जो है लगभग 2 इंच डाया का है और वी ग्रुप सिंगल ग्रुप पुली है और इस पुली के यहाँ पे टाइट करने के बाद में इसको बेल ड्राइव से इसको रोटेट किया जा सकता है हेल्प से रोटर को असेंबली को। तो ये सारा हमारा जो है रोटर असेंबली के पार्ट्स हैं। तो मैं अब आपको इसमें दिखाऊंगा कि इस मोटर को हम कैसे रन कर सकते हैं, कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो मैंने जो है रेक्टिफायर असेंबली लिया हुआ है, ये मेरा डीसी सप्लाई है जो 24 वोल्ट सप्लाई देता है। ये मैंने खुद डेवलप किया है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और इसमें मैंने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया है 24 वोल्ट का। और ये मेरा रेक्टिफायर है, इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई है उसको के अकॉर्डिंग जो है आप चेक कर लीजिएगा मोटर में देने से पहले कि इंश्योर हो जाइएगा मल्टीमीटर से कि माइनस सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई और पॉजिटिव सप्लाई आपका जो है वायर जो है गलत ना लगे, इससे नहीं तो आपका जो मोटर की जो आरपीएम होंगे वो रिवर्स हो सकते हैं। तो ये मैंने रेक्टिफायर्स को मोटर के साथ अटैच कर दिया है और मैं इसको अब रन करके चेक करके देखूंगा मोटर को। जब हम इस रेक्टिफायर में एसी सप्लाई देते हैं तो ये हमारा जो है आउटपुट देगा 24 वोल्ट का और हमारी जो डीसी मोटर है ये जो है रोटेट करना शुरू कर जाएगी और ये फिर आपको ड्राइव देगी हमारे रोटर को। इसकी हेल्प से हम अपने रोटर असेंबली को रोटेट कर सकते हैं। तो देखिए ये आरपीएम जो है इसके काफ़ी हाई आरपीएम है इस मोटर के और इस आरपीएम को हम एडजस्ट कर सकते हैं वोल्टेज रेगुलेटर द्वारा कि हमें रोटर असेंबली में कितने वोल्टेज आउटपुट चाहिए, उसी हिसाब से हम इसके आउटपुट को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इस मोटर को हम सोलर पावर द्वारा भी एनर्जी दे सकते हैं। तो इस हम कह सकते हैं कि हमारी जो एनर्जी है आउटपुट वो फ्री एनर्जी है। नाउ स्टेटर असेंबली ऑफ आवर जनरेटर। इस स्टेटर असेंबली के लिए हमने टेफ्लॉन की एक सीट लिया जिसका साइज 500x550 mm साइज का है और 0.5 mm थिक है। इसके अंदर हमने जो है होल किए हैं जो इसका डाया लगभग जो है 65 mm है और ये कॉपर की कॉइल्स जो है मैंने घर पे बनाया हुआ है जिसका 14 गेज के कॉपर वायर से बनाया है इसको और इसका डायामीटर जो है 65 mm है मैक्सिमम साइज और इसकी जो लेंथ है कॉइल की वो 40 mm है और ये टोटल जो है 15 कॉइल जो हैं इसमें मैंने अरेंजमेंट किए हैं अपने स्टेटर में और इसमें 3 फेज सप्लाई के हिसाब से मैंने जिसको अरेंजमेंट किया है कॉइल असेंबलीज को। तो ये 5 कॉइल्स पर फेज के हिसाब से इसका अरेंजमेंट है इस स्टेटर पे और इसके को मैंने जो है एराल्डाइट के साथ में फिक्स कर दिया है अपने टेफ्लॉन शीट के साथ में जिसकी इसकी पोजिशन जो है फिक्स रहेगी। नाउ दिस इज़ द रेक्टिफायर असेंबली जो आपका यूज़ होता है एसी को डीसी कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी फ्री एनर्जी जनरेटर की स्टेटर असेंबली एसी सप्लाई करती है और ये रेक्टिफायर प्लेट्स इसमें मैंने 3 फेज अरेंजमेंट किया हुआ है, डायोड लगाए हुए हैं और ये डायोड जो हैं आपका लगभग जो है 80 एम्प्स वाले डायोड्स हैं, काफ़ी हाई पावर डायोड्स हैं जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। इसके साथ ही मैंने कैपेसिटर बैंक भी इसके अंदर फिट किए हुए हैं, 5 कैपेसिटर्स हैं 4700 माइक्रोफेरेड के। तो ये जो फ्लक्चुएशन ऑफ पावर को कंट्रोल करेंगे तो ये मैंने जो है अरेंजमेंट लगाया हुआ है इसके अंदर रेक्टिफायर असेंबली प्लस डायोड सप्लाई फॉर डीसी सप्लाई के लिए। तो नाउ द फाइनल असेंबली ऑफ माय फ्री एनर्जी जनरेटर।
तो सारे पार्ट्स को स्टेटर, रोटर असेंबली, देन फ्लाई व्हील्स, देन मोटर, रेक्टिफायर असेंबली करने के बाद में मैंने अपना जो है ये फ्री एनर्जी जनरेटर तैयार कर लिया और इसको मैंने टेस्ट किया है। और ये टेस्टिंग के बाद में मुझे लगभग 1500 वाट दे रहा है। इसमें इनपुट पावर जो है मुझे लगभग जो है 300 से 400 वाट देनी पड़ रही है। और इससे आप देख सकते हैं कि मेरी जो नेटपुट आउटपुट पावर है लगभग 1200 वाट की है।